अंतर्राष्ट्रीय और अमेरिकी बाजार से मिल रहे मजबूत संकेतों के बीच दो दिनों के बाद आज भारतीय घरेलू शेयर बाजार में आज थोड़ी तेजी का रुख है। आज सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में बढ़त देखी जा रही है और पिछले दो कारोबारी दिन सोमवार और मंगलवार की गिरावट के बाद आज बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे पर खुले है। पिछले दो कारोबारी दिन सोमवार और मंगलवार की गिरावट के बाद आज बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे पर खुले हैं। सेंसेक्स में 47 और निफ्टी में 28 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार की शुरुआत हुई और इस कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन यानी कि बुधवार को आज भारतीय शेयर बाजार में कारोबार की शुरुआत हरे निशान के साथ हुई है। आज बीएसई का 30 शेयरों वाला इंडेक्स सेंसेक्स 47 अंकों की तेजी के साथ 60,333 के स्तर पर खुला, जबकि एनएसई का 50 शेयरों वाला निफ्टी 28 अंकों की बढ़त के साथ 17,750 के स्तर पर खुला। और बता दें आपको कि इससे पहले पिछली कारोबारी दिन मंगलवार 7 फरवरी को भारतीय शेयर बाजार में लगातार गिरावट दर्ज की गई और सेंसेक्स 220 अंकों की गिरावट के साथ 60,286 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी करीब 50 अंकों की नरमी के साथ 17,718 के स्तर पर बंद हुआ। मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार में कमजोरी का कारण ऑटो, मेटल और इसके साथ ही एफएमसीजी सेक्टर के शेयर रहे। वैश्विक बाजारों में कमजोरी के कारण भारतीय बाजार में भी बिकवाली दिखी। आज सुबह शुरुआत में ही बीएसई में करीब 2020 कंपनियों में कारोबार की शुरुआत हुई, जिसमें करीब 1272 शेयर तेजी और 617 गिरावट और 131 कंपनियों के शेयर के भार दाम स्थिर रहे, जबकि 30 शेयर 52 हफ्ते के ऊपरी और 40 शेयर और 52 हफ्ते के निचले स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। इस पहले कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन बुधवार को भी विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया थोड़ी मजबूती के साथ खुला है और आज शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया 1 पैसे की मजबूती के साथ 82.69 रुपए के स्तर पर खुला। और वहीं पिछले कारोबारी दिन मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे की मजबूती के साथ 82.70 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था।